सुर्वे सेवा सेवा जुहार जय गोंडवाना गणराज्य भारत। दोस्तों, पिछला वाला जो वीडियो हमारा आया था उस पर आप सभी का काफी अच्छा प्रतिसाद रहा और इस सभी के लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, सेवा जुहार करता हूँ, सेवामान करता हूँ। दोस्तों, अभी इस वीडियो को मैं आगे बढ़ाता हूँ और थोड़ा सा पिछले वाली वीडियो के बारे में 2 मिनट में रिमाइंड करा देता हूँ। तो जैसे पिछले वाली वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी थी जो एक शिलालेख के बारे में है, एक ऐसा शिलालेख जिसके लोहा पूरी दुनिया ने माना, जो विश्व विक्रम है, जितना बड़ा विश्व विक्रम शायद दुनिया में कोई कर पाया है। तो एक ऐसा विश्व विक्रम जिसमें राजाओं की सूची दी गई है, वो राजाओं की सूची 2000 साल से भी अधिक है दोस्तों। तो ये विश्व विक्रम हमारा भारत का है, ये हमारे भारत का गर्व बढ़ाता है, हमारे भारत के हर एक बच्चे का गर्व बढ़ाता है। ये शासनकाल, इसका शासनकाल जो था ये 2000 से भी तो ज्यादा चला ही चला। तो ये शासनकाल राजा जदोराय इनके पास से लेकर तो राजा समीर सिंह तक के है, जो स्लीमेन हमारे रिसर्च करता थे और बाकी अन्य रिसर्च करता थे, इन्होंने अपने अपने रिसर्च में अपने अपने बुक में इसका काफ़ी सारा उल्लेख दिया हुआ है। और इसका उल्लेख जब देते हैं तो इसके उल्लेख में सन 1887 में स्लीमेन अपनी बात रखते हैं। तो सुनाल सिंह उइका जो थे, वैसे देखा जाए तो इनसे पहले से भी इस शिलालेख का काफी ज्यादा उल्लेख है और हमारे राजाओं का शासन चलता हुआ आया है मध्य भारत में। तो मैं अपने विषय पर सीधा सीधा आता हूँ। जो कैप्टन फेल है, कैप्टन फेल से लेकर के पी गणेश दत्त है पंडित जी, तो इन्होंने अपने अपने रिसर्च में यह बात रखी और हम लोगों को बताया कि इस शिलालेख का महत्व क्या है। यह विश्व विक्रम है पूरी दुनिया के लिए। तो इस बात को और आगे बढ़ाता हूँ मैं अपनी वाली, और इस शिलालेख के बारे में एक कैसे जानकारी बताता हूँ। ये शिलालेख जो है आज की तारीख में अगर हम इसे देखने जाते हैं तो इसका जो आकार है ना दोस्तों, ये 64x29 का है, लेकिन आज ये 2 खंडों में टुकड़ों में विभाजित है। तो ये 2 टुकड़े क्यों विभाजित हुए, सबसे पहले एक गहन ये मुद्दा आता है। तो रिसर्च के दौरान हमें ये पता चलता है कि वो तोड़ा गया है, एक अंग्रेज कमांडर थे, उन्होंने 1820 से लेकर 22 के दरमियान इस शिलालेख पर गोलियां चला दी। क्यों? क्योंकि सारे ग्रामीण वासियों का इस शिलालेख के प्रति काफी अपना सम्मान रहा है, तो वो सम्मान उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा, तो उन्होंने उनके सम्मान के खिलाफ उस शिलालेख पर फायरिंग कर दी। और फायरिंग के दौरान उसका 34 से लेकर 35 श्लोक आज दिखता नहीं है, लेकिन 52 श्लोकों का पूरा शिलालेख है। और इन श्लोकों में क्या लिखा गया है, सूची तो मैंने आपको बता ही दिया हूँ, ये मैं आपको अभी पढ़ के बताता हूँ। तो ये हमारी बुक है, आपको इसको कोई भी हालत में खरीदना ही है दोस्तों, क्योंकि इस बुक में हमारे गोंडवाना की काफी सारी जानकारी दी हुई है जो आप वो लोगों को शायद से नहीं पता चली होगी। और ये जो शिलालेख आज की तारीख में खंडित हुआ है, इसके लिए तो मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये प्राचीन धरोहर है हमारे भारत की, जो एक विश्व विक्रम है पूरी दुनिया में गूंजा हुआ, जो हमारे भारत का लोहा मानता है। हमारे भारतीय इतिहास में हमारे भारत के हर एक बच्चे ने इस चीज को माननी ही चाहिए बात। और ये वीडियो मेरा भारत सरकार तक पहुंचे, इसके लिए मेरी तमन्ना रहेगी। और हमारा जो शिलालेख है जो उत्कीर्ण किया गया, उसकी सुरक्षा भारत सरकार जिम्मेदारी ले। मैं इसके अंदर के जो श्लोक है उसको आपको थोड़ा सा प्रकाश डाल के बताता हूँ, जैसे कि मैंने पिछले वाली वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं इसका विस्तार आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जो कुल 52 श्लोक थे, इस कुल 52 श्लोक थे हमारे जो शिलालेख है उसमें उत्कीर्ण किए गए राजा हृदय शाह द्वारा 1887 में। तो उसका एक श्लोक आता है नंबर 14 और 15 इसमें। तो 14वां नंबर श्लोक ऐसा आता है, असित सुनुस्तस्य संग्राम साही विद्विट तुलनोत्सम कल्पनता बाही विश्वव्याप्ते यत प्रकाशे मध्यहार को विस्मृत लिंगी बभूर्व। अब इस संस्कृत श्लोक का अर्थ मैं बताता हूँ आपको, लेकिन आप प्लीज 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 आपका जितना भी कंसंट्रेशन है वो मेरे तरफ केंद्रित करिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। और अगर आप ये बात नहीं सुन पाते तो मेरी मानिए बात, आप बहुत बड़ी जिंदगी में बात खो रहे हो।
एक ऐसा खजाना खो रहे हो जो बुरा होगा। तो ये अपने इतिहास से मैं रिलेटेड बताता हूँ, भारतीय इतिहास से इस श्लोक का। और आप तो थोड़ा कोशिश करिए कि किस महान राजा के ऊपर लिखा गया हुआ बात है ना। तो इसका अर्थ ऐसे बताते हैं, उनके शत्रु उनके लिए केवल कपास के पुंज की तरह थे। दोस्तों, उनके शत्रु जो थे उनके लिए कपास के पुंज की तरह थे। कपास का पुंज मतलब कपास का फूल, जो कपास का फूल इतना कोमल रहता है कि उस पर एक चिंगारी भी अगर गिर जाती है तो वो चिंगारी उस कपास के फूल को पूरा का पूरा जला सकती है। उन कपास के कितना भी बड़ा परात रहे, परात ये गोंडीश वर्ड है जो कपास को कहा जाता है, तो वो दुश्मन लोग उनके लिए शत्रु जितने भी थे वो कपास के पुंज की तरह थे। और वह उन शत्रुओं के लिए प्रलयकारी अग्नि थे। प्रलयकारी यानी बहुत बड़ी अग्नि का तूफान। वो तूफान इतने शक्तिशाली, इतने महाज्ञानी, जिनके नाम से दुनिया थर थर कांपती थी, दुश्मन थर थर कांपते थे, आक्रमणकारी भाग जाते थे, इतने खतरनाक थे वो। और दुश्मन सिर्फ उनके लिए कपास के पुंज थे। ऐसा मैं नहीं बोलता, ये श्लोक बोलता है। तो दोस्तों, उनके प्रताप का प्रकाश विश्व में व्याप्त होने के कारण, जो उनका प्रताप था, उनका प्रकाश, उससे जो प्रकाश आ रहा था, जो उनका बल था, उनकी शक्ति थी, उनका ज्ञान था, वो प्रतापवान थे इतने कि वो सारी दुनिया में व्याप्त हो रहे थे, पूरी दुनिया में फैल रहे थे। ऐसा ये इसमें अर्थ लिखा है, उनके प्रताप का प्रकाश विश्व में व्याप्त होने के कारण दोपहर का सूर्य भी निस्तेज हो गया। जो दोपहर में सूर्य रहता है, जो उसका प्रकाश रहता है, वो भी निस्तेज हो गया। इतना प्रकाश, इतना प्रताप उन महाराजा में था। वे कौन थे? ध्यान करो मेरे तरफ, अपना ध्यान आकर्षित करो और गौर से सुनो, वे कौन थे? तो वे पुत्र अर्जुन दास के अमनीदास संग्राम शाही थे। वो महाराजा संग्राम शाह थे, एक ऐसे महान राजा जिनके नाम से दुश्मन थर थर कांपते थे। बहुत महान थे दोस्तों, ऐसा मैं नहीं बोलता, ये ग्रंथ बोलता है, ठीक है। तो दूसरा, जो दूसरा ग्रंथ है, 15वें नंबर पे आता है ये श्लोक, सॉरी ग्रंथ है नहीं श्लोक। हाँ, तो वज्र प्रार्य पर्वत प्रोण गड़े सुप्रकार रंभु भिश्चाक्षयानी द्वापत्र चाराधेन दुर्गाणी राजा विर्वुत्तानी शोनी चक्र विर्जित्व। अब इसका अर्थ क्या होगा आप अंदाजा लगा सकते हो, अगर कोई संस्कृत पढ़ने वाला हो तो वो जल्दी जान जाएगा। फिर भी मैं आपको अर्थ बताता हूँ, जो संस्कृत नहीं जानते मैं उसी के लिए बैठा हूँ। अर्थ इसका ऐसा आता है, जिन्होंने पृथ्वी के सारे चक्रों को जीत कर, वे महाराजा जिन्होंने सारे पृथ्वी के चक्र जो थे उन सभी को जीत कर छीने गए 52 गढ़ों का गढ़ों को आक्रमणकारियों से मुक्त कराकर, जितने 52 गढ़ थे उनको जिन्होंने छीना था आक्रमणकारियों ने, उन उनसे मुक्त करा दिया, तथा अनेक गढ़ किले दुर्गों का निर्माण कर, अनेक गढ़ किले दुर्गों का निर्माण कर उनको करद, करद मतलब सुरक्षित, स्वरक्षित करा दिए, उन सभी को सुरक्षित करा दिए गए। तो वे गढ़ कैसे थे? जो गढ़ उन्होंने दुश्मनों से वापिस जीते, और वो गढ़ कैसे होंगे? वज्र के समान कठोर, पर्वत की तरह मजबूत, और जिससे दृढ़ अच्छी 4 दीवारी वाले थे, और जिनमें सदैव चारों तरफ जल रहता था, अंत अक्षय तक, मतलब हमारे गढ़ किले ऐसे थे जहां पर हमेशा जल रहता ही था, अक्षय तह मतलब कभी भी न खत्म होने वाला, ऐसे वो सारे गढ़ किले थे। तो ये सारे गढ़ किले 14 और 15 अध्याय में लिखा हुआ है। और ये जो जल है इस गढ़ किलों में, ये भूजल, जो गोंडवाना का भूजल विज्ञान है, मैं अपने आने वाले भाग में अगर आप लोगों का अच्छा प्रतिशत रहा तो इसके बारे में मैं लिखूंगा कि ये कैसा जल जल का पूरा हर जगह रहता था, कहीं पे भी संचय नहीं होता था, कम कमतरता नहीं होती थी, हर जगह भरा हुआ रहता था। तो ये मेरा आज वीडियो में श्लोक मैंने आपको 2 बताया हूँ, और आने वाले दिनों में महाराजा संग्राम शाह के बारे में मैं आपको और वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो संग्राम जी जो थे महाराजा, तो वो
कैसे बने महाराजा संग्राम जी महाराजा अमनीदास से, है ना, जो अर्जुन दास जी के पुत्र थे, और साथ साथ महाराजा संग्राम शाह जी को शाह उपाधि लगी, सिंह उपाधि लगी, इसके बारे में भी मैं आपको आगे आने वाले दिनों में बताने वाला हूँ। और सबसे सर्वप्रथम बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि महाराजा संग्राम शाह जो थे, उन्होंने जब आक्रमणकारियों ने पूरा भारत हरा कर दिए, हमारा भारत जो था वो आक्रमणकारियों ने पूरा हरा, मतलब आप समझ रहे हो ना कि मैं एक निर्देश दे रहा हूँ, आप शायद से समझ ही गए, जो दुश्मनों ने पूरा भारत हरा कर दिया, और एक छोटा सा भाग बचा हुआ था पीला गोंडवाना का, हमारा भूमि का, जो हमारे पुरखों से चलता आया, जो भूमि ने हम लोगों को जन्म दिया, इस भूमि में हम लोगों ने इस भूमि को किसी के अधीन नहीं होने दिया, इस भूमि की रक्षा की, दुश्मनों को छाट दिए, अपनी गर्दन कभी नीचे नहीं की, ये भारत का इतिहास रहा है। हर एक शासक जहां पर गुलामी कबूल कर रहे थे, वहां पे गोंड शासक टिके हुए थे, अपने भारत की बगडोर अपने कांधों पे संभाले हुए, तो वो हमारे शासक थे। तो इन शासकों के घराने में एक ऐसे महान शासक जो महाराजा संग्राम हुए, महाराजा संग्राम शाह, इन्होंने किस तरीके से दुश्मन को छाटा, युद्ध में ऐसा क्या किया उन्होंने जो तोफों के खिलाफ में उन्होंने जवाब दिया, ये बात सोचने वाली है। जो लोग दुश्मन आक्रमणकारी थे, वो लोग हम लोगों पे जब आक्रमण करते थे, तब उनकी कोई युद्ध नीति नहीं थी, बहुत क्रूरता थी उनमें, अमानुष्यता थी, तो ये सारी चीजों से वो लोग वध करते थे हम लोगों का, हमारे भारतीय लोगों का, ये इतिहास रहा है। आप अगर इतिहास पढ़ ले तो आपको ये सारी चीजें पता चलती ही है। तो चार गढ़ों का विस्तार अगर वो 750 गढ़ में करते हैं, तो उसके पीछे का इतिहास क्या है, कैसे किए उन्होंने, ये मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ी सी एक इमेजिनेशन देता हूँ आपको, कि उनके जो शस्त्र थे, उन्होंने जो अपने रिसर्च करके महाराजा संग्राम जी ने इन्वेंशन किया उन शस्त्रों का, उन शस्त्रों में जैसे हाथ गदा आता है और दूसरा चियार बिसार करके आता है, ये सारे गोंडी वर्ड्स है, क्योंकि वो गोंड शासक थे, भारतीय शासक थे, महाराजा थे वो, तो उन्होंने उनके जितने भी शस्त्र है गोंडी में ही आते हैं उनके नाम। उसमें जो बारूद बाण आता है, वो बारूद बाण हमारे महाराजा संग्राम जी ने बनाए अपने रिसर्च करके, और उस बारूद बाण को भपका बिल कहते थे, भपका बिल, और ये जब दुश्मनों पे छूटता था ना, तो विस्फोट होता था बहुत बड़ा। उसके बाद जहरीले बाण नागों से, उसके बाद जैसे अग्नि बाण जिसको किस बिल कहते हैं, उसके बाद जो बिल अम्बाल है वो कह सकते कथला काटी, और इससे भी कई सारे अन्य आदि शस्त्र जो है वो महाराजा संग्राम शाह ने अपने इन्वेंट करके बनाए और दुश्मनों को छाटते गए, परास्त करते गए दोस्तों। तो ये सारे और जानकारी मैं अपने आने वाले वीडियो में दूंगा। आपने जो अपना जितना भी ध्यान है वो मेरे तरफ केंद्रित किया, इसके लिए मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आने वाले वीडियो में आपको काफ़ी और जानकारी दूंगा। अगर आप लोगों का प्रतिसाद अच्छा रहा तो आप लोगों की जो प्रक्रिया है आप कमेंट में भी दे सकते हैं, मेरा नंबर नीचे दिया गया है, आप नीचे में मुझे कॉल करके भी आप संपर्क कर सकते हैं, और जानकारी के लिए बुक चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और जो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर किए करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ मेरे पास प्रूफ है, और ये प्रूफ मैं इसीलिए डंके की चोट पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को भारतीय इतिहास को बाहर लाना है। तो ऑनलाइन बुक भी अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जैसे भारत का थोड़ा सा कर्फ्यू चालू है अपना, और मैं हाँ ये भी बात करना चाहूँगा कि जो कोरोना से आज सारे दुनिया में हो रहा है बहुत, तो इस पर मैं अपने दुख व्यक्त करता हूँ, और आप सभी लोग अपने घर में आपके परिवार के लिए भी मैं थोड़ा सा दुआएं करता हूँ कि सब लोग सुकुशल मंगल रहे, किसी पे भी कोई भी विपदा ना आए। और ठीक है, मैं अपना वीडियो इतना ही करके मैं ख़त्म करता हूँ। बुक ऑनलाइन तो नहीं मिलेंगी, और ऑफलाइन आप ले सकते हो, कॉल करिए मुझे जो कुछ भी रहा प्रॉब्लम। तो सेवा जोहार, जय गोंडवाना, जय गोंडवाना गणराज्य भारत।